आज तारीख 27 सितंबर 2021 है। किसानों का भारत बंद का ऐलान पूरी तरह कामयाब हो चुका है। इससे पहले भी किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया मगर उतनी तरह कामयाब नहीं हो सका। इस बार जो है किसान आंदोलन पूरी तरह कामयाब हो चुका है। यूपी के अंदर खासकर योगी आदित्यनाथ ने इसको रोकने के लिए काफ़ी कोशिश की, बैरिकेड्स लगाए, मगर किसानों ने उस बैरिकेड को तोड़ते हुए अपने आंदोलन को जारी रखा। उसी तरह गुजरात में भी आंदोलन हुआ, उसी तरह हरियाणा में और कई जगहों पर आंदोलन हुए, जिससे साबित होता है कि अब मोदी हुकूमत और योगी हुकूमत खतरे में आ चुकी है। इस तरह से भारत में जो परिस्थिति चल रही है, ये काफ़ी शर्म की बात है कि किसान जो एक आंदोलन, एक अनाज पैदा करने वाला किसान है, जो लोग, सब भारत के लोग उसे खाते हैं, मगर उसी के जो 3 कानून है जिसे वापस लेने की जिद पर किसान अड़े हुए हैं। किसान कहते हैं ये काले कानून है, भारत सरकार अभी तक उसे वापस लेने में कामयाब नहीं हो रही है। कई किसान, कम से कम 700 से ज़्यादा किसान अपनी जान दे चुके हैं और ये आंदोलन 11 महीने से ज़्यादा हो चुके चल रहा है, मगर अफसोस की बात है हुकूमत अभी तक इन किसानों के बारे में कोई गौर फिक्र नहीं कर रही है। तो इससे अंदाज़ा लगता है कि हुकूमत का रवैया क्या है, हुकूमत किसके इशारे पे काम कर रही है और हुकूमत के पीछे कौन साजिश रच रहा है कि किसानों की बात को नहीं माना जाए। इसी तरह भारत में कई तरह के मुजालिम ढाए जा रहे हैं, जैसे भारत की एक रियासत आसाम में जो है वहाँ के सीएम और उनके भाई एसपी ने मुसलमानों पर यानी माइनॉरिटीज़ पर जो जुल्म किया है वो भी एक काफ़ी मजम्मत है और इसकी मिसाल शायद नहीं मिलती। एक फोटोग्राफर जो एक लाश पर कूदता हुआ नज़र आ रहा है, इससे मालूम होता है कि सचमुच हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी, हिंदुस्तान की जमहूरियत पूरी तरह ख़त्म हो चुकी है और डिक्टेटरशिप आ चुकी है। इसी तरह मौलाना को अरेस्ट किया गया है। मौलाना को अरेस्ट करने के बाद वो एक हंगामा खड़ा किया जा रहा है। क्या इलेक्शन के लिए, सिर्फ यूपी इलेक्शन के लिए, आने वाले इलेक्शनों के लिए, हिंदू वोट हासिल करने के लिए पूरी तरह से बीजेपी की, आरएसएस की ये साजिशें चल रही हैं? क्या इस भारत को नर्क में झोंकने का काम किया जा रहा है? इसी तरह कुछ मीडिया जैसे आज तक की अंजना ओम कश्यप है, इन्होंने अमेरिका जाकर वहाँ पर मीडिया की बेइज्जती कराई, भारत का नाम बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में पूरे भारत के 140 करोड़ लोगों को सोचना चाहिए कि ये भारत में क्या हो रहा है और ये ऐसी हुकूमत भारत का क्या करने जा रही है और इससे भारत को कितना नुकसान होगा और भारत में और पूरी दुनिया में भारत की छवि कितनी शर्मसार होगी। इसको गौर करना चाहिए, वरना आने वाला दौर इंसानियत के लिए, भारत के बच्चों के लिए काफ़ी मुश्किल का दौर होगा। इससे हम सबको गौर करना चाहिए और इसमें शरीक होना चाहिए और भारत बचाने के लिए, भारत की आवाम को बचाने के लिए हर एक इंसान को आगे आना चाहिए और इसका मुकाबला करना चाहिए। आइए देखते हैं तफसील से किस तरह से भारत में हालात गुजर रहे हैं। प्राइम न्यूज इंडिया को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए, लाइक और शेयर करना न भूलिए। तंत्र का यही बचा है, एक मुस्लिम विशेष समुदाय को टारगेट किया जाता है और उनको बेघर किया जाता है। क्या यही भारतीय जनता पार्टी का शासन है? अमित शाह ने जिस तरीके से इमिग्रेंट्स को, वहाँ के मुसलमानों को टर्माइट्स बोल के संबोधित किया था चुनाव के दौरान, उसी दौर में उन्होंने स्थापित कर दिया कि किस तरीके की राजनीति असम में चलेगी, किस तरीके की राजनीति इस देश में चलेगी। वो नफरत से भी खतरनाक। जनता पार्टी नफरत की राजनीति बो रही है। हम नफरत की राजनीति नहीं, आप बताइए, गरीब, दलित, वंचित, इनको शोषित किया जाता है, धर्म के नाम पे लड़ाया जाता है, मॉब लिंचिंग की जाती है। क्या यही देश में लोकतंत्र है? लोकतंत्र की भारतीय जनता पार्टी ने हत्या कर दी है, इसको सत्ता से बेदखल करके ही मानेंगे हम लोग। पुलिस को खासा ट्रेनिंग दी जाती है कि वो पैर पे हमला करेगा, बंदूक से हमला कर रहा है तो आपने छाती पे गोली मारी, क्या ये इलीगल नहीं है? ये किस तरह का आप देश बनाना चाह रहे हैं कि इतनी बुरी तरह किसी मरे हुए आदमी पे आप कूद रहे हैं? ये तो शर्म आना चाहिए कि हम महानता का गीत गाते रहते हैं
लेकिन आप एक मरे हुए व्यक्ति पे आप कूद रहे हैं। जो पिछले दिल्ली दंगों से अब तक चला आ रहा है, सिर्फ मुसलमानों को दबाने के लिए, मुसलमानों को कुचलने के लिए NRC और CA लागू करने के लिए एक छोटी सी कोशिश है, उसके साथ वो उसमें कामयाबी हासिल करना चाहते हैं। आसाम की संगीत सरकार मुर्दाबाद। आसाम की संगीत सरकार मुर्दाबाद।